करती हूँ। अब खबरें विस्तार से। नेहा पेंडसे के साथ चिकली में दही हंडी के दौरान हुई बदसुली की। भाजपा युवा के तरफ से दही हंडी के दौरान मराठी फिल्म अभिनेत्री नेहा पेंडसे को उपस्थित किया गया था। दही हंडी के उत्साह को और भी आकर्षित करने के लिए नेहा पेंडसे बुलढाणा जिला में दही हंडी स्टेज पर उपस्थित थी। इस कार्यक्रम के दौरान उनके चाहते उनके साथ सेल्फी निकालने के लिए इकट्ठा हुए, जिसके चलते उनके साथ भगदड़ हो गई, जिसके कारण वो नाराज हो गए और नाराज होने के कारण इस कार्यक्रम से निकलने का उन्होंने फैसला किया। इस बात का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया है। बुलढाणा से गणेश सोलंकी की रिपोर्ट MNS न्यूज के लिए। बड़वानी में संगीत प्रतियोगिता संपन्न। स्टार प्लस के शो हर शाम पर उल्लू बैठा है के कलाकार आरिफ सहडोली और MNS न्यूज इंदौर ब्यूरो के मयंक साधु रहे मुख्य अतिथि। अमन सामाजिक और सांस्कृतिक मंच और मंदिर के बैनर के साथ संगीत प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश के बड़वानी में किया गया, जिसमें कई संगीत प्रेमियों ने अपने सुरों से समा बांधा। मुख्य अतिथि हर शाम पर उल्लू बैठा है सीरियल के अभिनेता आरिफ सहडोली और MNS न्यूज ब्यूरो हेड के मयंक साधु थे। आभार शौकत अली और मजीद शेख ने माना। नीलेश जैन बने धार जिला मीडिया प्रभारी। धार जिला वैश्य युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष कमलेश खंडेलवाल की सहमति से मनावर नगर के युवा पत्रकार नीलेश कनकमल जैन को वैश्य युवा शक्ति संगठन का धार जिला मीडिया प्रभारी बनाया गया है। इनकी नियुक्ति पर मनावर गंधवानी धार धामनोद खुशी राजगढ़ इंदौर के सामजनों तथा राज्य नेताओं एवं पत्रकारों ने बधाई दी। MNS न्यूज के लिए मयंक साधु की रिपोर्ट। तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल्स के अपडेट देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MNS न्यूज लाइव को आज ही सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।